Hello everyone, I am Monica. Today I will explain an essay, The Generation Gap, written by Benjamin Macklin Spock. Benjamin Macklin Spock was a famous American pediatrician. In his well known book, Baby and Child Care, which he wrote in 1946, he made use of psychoanalysis to understand child behavior and issues. Related to the upbringing of children. His ideas about childcare influenced several generations of parents to be more flexible and affectionate with their children and to treat them as individuals. Present essay, The Generation Gap, discusses the problems of self identity and independence faced by adolescent boys and girls. A young person goes through various stages of identification. Rejects the earlier role models and forms a new identity in accordance with the needs of the times. This desire to establish a new identity may be misunderstood by elders as rebellion. Old rebellion is not negative, it can be challenged positively and be used in the transformation of a young individual into a responsible adult. So, Benjamin. जिन्होंने चाइल्ड बिहेवियर बच्चों के बिहेवियर और उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं बच्चों को बड़ा करते हुए जो चैलेंजेस आते हैं पेरेंट्स के सामने उनके रिगार्डिंग एक साइको एनालिसिस किया एक मनोविश्लेषण किया उन्होंने बुक लिखी बेबी एंड चाइल्ड केयर जो आज भी बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करती है अपने बच्चों को अच्छे ढंग से बड़ा करने के लिए उनकी अपब्रिंगिंग के लिए उनकी डेवलपमेंट के लिए हमारा प्रेजेंट ऐसे है द जनरेशन गैप पीढ़ियों का अंतर जनरेशन गैप के अंदर सेल्फ आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस जो एडोलोसेंट एज में बॉयज़ और गर्ल्स फील करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है एडोलोसेंट एज रफली सी मानी गई है दस साल से लेकर उन्नीस साल तक की उम्र में लड़के और लड़कियां अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए एफर्ट करते हैं वो ख़ुद की पहचान चाहते हैं इंडिपेंडेंस चाहते हैं और इन सब के रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये डिस्कस किया गया है जनरेशन गैप में कई बार बड़ों को एडोलोसेंट एज के बॉयज़ गर्ल्स का जो बिहेवियर है वो रेबेलियन लगता है विद्रोही लगता है कि बड़े सोचते हैं कि यंग जनरेशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हमारे से विद्रोह कर रही है लेकिन सभी तरह का विद्रोह नेगेटिव नहीं होता कई बार ये विद्रोह एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनने में भी हेल्पफुल होता है लेट्स स्टार्ट दैसे द जनरेशन गैप रेबेलियसनेस मीन्स विद्रोह विद्रोह की भावना अगेंस्ट पेरेंट्स इज़ अ नेचुरल इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलोसेंस एडोलोसेंस मीन्स किशोरावस्था इनएविटेबल ज़रूरी माता पिता के प्रति विद्रोह करना कब किशोरावस्था में किशोरावस्था में किशोरावस्था यू कैन रफली काउंट टेन टू नाइनटीन ईयर्स दस से उन्नीस साल की उम्र जिसे हम किशोरावस्था मानते हैं उस किशोरावस्था में पेरेंट्स से विद्रोह करना एक नेचुरल एक स्वाभाविक और अटल पहलू है नॉर्मल इस उम्र के बच्चे पेरेंट्स की बात को अनदेखा करते हैं और विद्रोह करते हैं इट असिस्ट दैम इन गिविंग अप द कम्फ़र्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस वर्किंग फॉर प्रोग्रेस जो वो विद्रोह कर रहे हैं वो है, विद्रोह हेल्प करता है किसके लिए गिविंग अप द कम्फर्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम के घर में जो उन्हें आराम मिलता है जो सुरक्षा मिलती है वो उसका त्याग करना चाह रहे हैं अब इस एज में अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस वो वास्तव में एक इंडिपेंडेंस एक स्वतंत्रता चाह रहे हैं वर्किंग फॉर प्रोग्रेस वो अपनी प्रोग्रेस के लिए अपनी प्रगति के लिए काम करना चाह रहे हैं और जो रेबेलियसनेस है उनका विद्रोह है वो उनको ये सब करने में हेल्प करता है द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम फॉर द यंग पर्सन दो ही डजेंट यूजअली थिंक ऑफ इट इन दीज टर्म्स इज टू फाइंड हिज ओन आइडेंटिटी टू फाइंड आउट वट शॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिज़ायर्स टू बी एंड टू गेट स्टार्टेड बींग अ पर्सन यंग पर्सन की एक युवा व्यक्ति की जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है सबसे आधारभूत जो समस्या है यद्य वो इस समस्या के बारे में आम तौर पर नहीं सोचता लेकिन ये समस्या है वो समस्या क्या है इज़ टू फाइंड हिज़ ओ ओन आइडेंटिटी अपनी पहचान बनाना टू फाइंड आउट वट शॉर्ट ऑफ पर्सन ही रियली डिज़ायर्स टू बी ये डिसाइड करना कि वास्तव में वो किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता है एंड टू गेट स्टार्टेड बींग अ पर्सन और उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए वो किस तरह से एफर्ट करे एफर्ट कर रहा है उस तरह का पर्सन बनने की शुरुआत किस तरह से की जाए दिस डजेंट मीन जस्ट द स्पेसिफिक जॉब ही विल टेक और द हॉबीज़ ही विल इंजॉय इसका अर्थ सिर्फ़ इतना नहीं है कि वो किस तरह की जॉब करेगा या किस तरह की हॉबीज़ को वो अडॉप्ट करेगा उनको इंजॉय करेगा कि जॉब करना या हॉबीज़ को अडॉप्ट करना ही उसकी आइडेंटिटी को डिसाइड नहीं करता इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही विल एंड अप विद हाउ ही विल बी थोट ऑफ बाई हिज फ्रेंड्स फैमिली एंड हिम इसका अर्थ ये है कि अंत में उसका व्यक्तित्व किस तरह का होगा उसके फ्रेंड्स उसके दोस्त उसका परिवार एंड हिमसेल्फ़ और वो खुद अपने बारे में क्या सोचेगा एक होता है कैरियर वाइज अपने आप को सेटल कर लेना दूसरा होता है कि आपके घर परिवार मित्र के लोग आपके पर्सनालिटी के बारे में आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या सोच रहे हैं कि जैसे ये व्यक्ति है ये अपनी बात का धनी है तो यहाँ जो एफर्ट है वो एफर्ट इसी चीज़ के लिए है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली आपके बारे में आखिरी टाइम में क्या सोचेंगे कि आपका व्यक्तित्व किस तरह से है इट इज़ नॉट सो मच अ मैटर ऑफ कमिंग टू कन्शियस डिसीजन्स इट इज़ गेनिंग अ सेंस ऑफ बींग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन विद अ जॉब टू डू कॉन्शियस डिसीजन्स तक अपने होशो हवास में किसी चीज़ का निर्णय लेना सिर्फ यही अचीव नहीं करना है इट इज़ गेनिंग अ सेंस ऑफ बींग एंड इंडिपेंडेंट पर्सन विद अ जॉब टू डू बल्कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना है और आपके पास करने के लिए कोई काम भी हो ऐसा व्यक्ति बनना है तो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर राइटर ने बताया है कि एक यंग पर्सन की जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो है अपनी आइडेंटिटी को प्राप्त करना अपनी पहचान को प्राप्त करना ये पता लगाना कि वो सचमुच में क्या बनना चाहता है अंत में उसके परिवार उसके मित्र के लोग उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे उसका व्यक्तित्व उन मेंबर्स पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा इसका ये भी अर्थ है कि एक प्री पर्सन एक आजाद व्यक्ति होने की भावना को प्राप्त करना देर आर थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट्स दैट गो टू मेक अप द आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल फाइनली अचीवस एक व्यक्ति फाइनली क्या अचीव करता है अपनी पहचान से रिलेटेड क्या अचीव करता है उसके लिए तीन प्रिंसिपल एलिमेंट्स है, हैं तीन मुख्य तत्व हैं कि तीन बातें हैं जो डिसाइड करती हैं कि फाइनली मनुष्य ने क्या क्या अचीव किया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कैरेक्टर ही इज़ डेवलपिंग ऑल थ्रो चाइल्ड हुड जिसमें से सबसे पहला है उसका करेक्टर उसका चरित्र जो बचपन में बन जाता है कहते हैं जैसे कि छोटे बच्चे के को जो भी सिखाया जाए उसी तरह की चीज़ें उसमें इनकलकेट हो जाती हैं उसमें बन जाती हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है जो आपकी आइडेंटिटी को डिसाइड करेगा वो बचपन में ही बन जाएगा आपके चाइल्डहुड में ही और वो है करेक्टर अब बॉय बिगनिंग एट अबाउट द एज ऑफ थ्री हैज़ बिन स्टार्विंग टू बी अ मैन जस्ट लाइक हिज फादर एंड द लिटल गर्ल टू बी लाइक हर मदर जब एक बच्चा तीन साल का होता है एक लड़का जब तीन साल का होता है तो वो एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता है एक ऐसा आदमी बनना चाहता है जैसे कि उसके पिता हैं ठीक इसी तरह से एक छोटी लड़की अपनी माँ की तरह बनना चाहती है आपने देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं छोटी लड़कियाँ होती हैं वो अपनी माँ की तरह दुपट्टा लेती है साड़ी लपेटती है मीन्स और अपनी मदर के सैंडल पहनती है मीन्स वो अपनी माँ की तरह बनना चाहती है यहाँ तीन साल की उम्र में बच्चों के रोल मॉडल हैं उनके माता पिता तीन साल के बच्चे लड़का है वो अपने पिता की तरह बनना चाहता है लड़की है वो अपनी मदर की तरह बनना चाहती है सो दे हैव हैड टू कास्ट दमसेल्व्स इन द मोल्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स इसलिए वो अपने आप को अपने पेरेंट्स के ढांचे में ढालना शुरू कर देते हैं और वो अपने माता पिता से क्योंकि वो अपने माता पिता से ही बनते हैं और वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं उस एज में अपने माता पिता से तो वो अपने माता पिता के ढांचे में अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं बट टू बिकम एन इफ़ेक्टिव अडल्ट एंड इंडिविजुअल मस्ट लीव होम बट टू डेवलप आइडियाज़ एंड एम्स ऑफ हिज ऑन सो दैट ही कैन हेल्प टू इमपेशल्प टू सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही विल लीव परंतु एक प्रभावशाली अडल्ट बनने के लिए व्यक्ति को अपने माता पिता के ऊपर जो वो निर्भर है उस चीज़ को छोड़ना होता है कि तीन साल की उम्र में एक बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह से बनना चाहता है लेकिन जब वो अडल्ट हो जाएगा तो उसको अपने माता पिता के ऊपर जो वो डिपेंड है उस चीज़ से आगे बढ़ना पड़ेगा माता पिता के प्रति डिपेंडेंस को छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि वो घर को छोड़ दे बल्कि उसके विचार उसके उद्देश्य उन्हें वो डेवलप करे अपने विचारों को अपने उद्देश्यों को डेवलप करे उनमें विकास करे ताकि ही कैन हेल्प टू सोल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही वी लिव ही विल लिव ताकि अपने विचारों और अपने उद्देश्य से वो समाज में जो समस्याएँ विद्यमान हैं उनका वो हल कर सके वो समाज जिसमें वो रह रहा है मीन्स बचपन में एक बच्चा अपने पेरेंट्स के जैसे बढ़ना चाहता है लेकिन अडल्ट होने के बाद उसे अपने आइडियाज़ और अपने एम्स पे फस करना होगा ताकि वो समाज में जो समस्याएँ हमारे सामने हैं अपने आइडियाज से अपने एम्स से वो उन समस्याओं को दूर कर सकें हिज फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस एंड क्रिटिसिजम टूअर्ड्स हिज पेरेंट्स आर वट पुट हिम ऑन द लुक आउट फॉर द न्यू आइडियाज़ न्यू मैथड्स विच में बेटर सोल्व प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड इंसिडेंटली ऑल्सो शो अप हिज़ पेरेंट्स जनरेशन एज प्रिटी वेल स्ट्रक इन द मठ अब क्योंकि जो उसके विचार हैं वो नेचुरली अपने बड़े लोगों से अलग होंगे अपने पेरेंट्स से अलग होंगे तो उस कंडीशन के अंदर हिज फीलिंग ऑफ इम्पेश्स एंड क्रिटिसिजम टुवर्ड्स हिज़ पेरेंट्स क्या डेवलप होगा कि पेरेंट्स के प्रति क्रिटिसिज्म शुरू होगा पेरेंट्स के प्रति धैर्य खोना शुरू होगा आलोचना शुरू होगी समीक्षा शुरू होगी और इन सब से जन्म होगा नए आइडियाज़ का नए मेथड्स का विच में बेटर सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द डे और यंग जनरेशन को ये लगेगा कि वो अपने बड़ों की बजाय ज़्यादा अच्छे ढंग से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं शायद एंड इंसिडेंटली ऑल्सो शो अप हिज पेरेंट्स जनरेशन एज प्रिटी वेल स्ट्रक इन द मर्ड और यंग एज में ये भी दिखाना शुरू करेंगे कि उनकी जो माता पिता हैं वो किस तरह से माता पिता की जो जनरेशन है उनकी जो पीढ़ी है वो किस तरह से अपने पुराने विचारों से उलझे हुए हैं यंग जनरेशन ये भी शो करेगी हाउ स्ट्रोंग द रेबिलियसनेस इन ईच इंडिविजुअल इज एंड वट फ्रॉम इट टेक्स इज़ अ सेकेंड एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग हिज इवेंचुअल आइडेंटिटी आइडेंटिटी इस बात पे डिपेंड करेगी यहाँ कि जो रेविलियनेस आई है जो विद्रोह आया है वो कितना स्ट्रोंग है कितने स्ट्रोंग तरीके से विद्रोह किया यंग जनरेशन ने ये डिसाइड करेगा ये सेकंड एलिमेंट है जो डिसाइड करेगा उनकी आइडेंटिटी को उनकी पर्सनालिटी को डिटरमाइनिंग मीन्स निर्धारण करना जो उनकी पहचान को निर्धारित करेगा द थर्ड एलिमेंट इज़ द नेचर ऑफ़ द टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ द टाइम्स थर्ड एलिमेंट है नेचर ऑफ़ द टाइम्स समय का क्या स्वरूप है एंड नीड्स ऑफ द टाइम्स और समय की क्या ज़रूरत है एक कोई भी कस्टम कोई भी इशू एक टाइम में हो सकता है बहुत प्रोमिनंट हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि आगे आने वाले दस या बीस साल के बाद भी वो कस्टम उतना ही प्रोमिनेंट हो हो सकता है उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत हो तो थर्ड एलिमेंट डिपेंड करेगा कि नीड ऑफ द टाइम क्या है समय की मांग क्या है दीज कॉल ऑन यूथ फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़ इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स अलग अलग ऐतिहासिक समय में अलग अलग गुणों की मांग करते हैं यूथ से मीन्स अलग अलग ऐतिहासिक समय में जिस भी तरह की रिसेंट जरूरतें रही हैं जो भी समय की ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग जो यूथ है वो बिहेव करें एज एरिक एरिकसन एक्सप्लेन्स इन यंग मैन लूथर द करप्शन ऑफ द चर्च इन मार्टिन लूथर्स टाइम द रियल नीड फॉर मेजर रिफॉर्म इंस्पायर्ड इन लूथर फियरलेसनेस क्लैरिटी एलुक्वेंस एंड प्रिजर्वेंस ऑफ हीरोइक प्रपोर्शंस एरिक Eric एरिकसन ने बुक यंग मैन लूथर में कहा है वो समझाते हैं कि मार्टिन लूथर के समय में चर्च के अंदर करप्शन फैल गया चर्च में भ्रष्टाचार हो गया जो चर्च के अधिकारी थे उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया करप्शन शुरू कर दिया अपनी मोलो मोनोपली बना ली कि सब उनके कहे अकॉर्डिंग काम करेंगे अब नो डाउट कि वो चर्च था भगवान से रिलेटेड था तो लोगों ने उनको फॉलो भी किया लेकिन कंपल्शन बहुत बार बर्डन बन जाती है कि कोई काम किए तो आपने ज़रूरी करना ही करना है वो आपको बहुत बोझ लगने लगेगा तो उस कंडीशन के अंदर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से लूथर ने एक विद्रोही रूप अपनाया किस लिए क्योंकि उस वक्त सुधारों की ज़रूरत थी चर्च में रिफ़ॉर्म किए जाएं चर्च में सुधार किए जाएं जो चर्च के रूल रेगुलेशन हैं उनमें कुछ चेंज किया जाए तो उस वक्त चेंज कौन करेगा उसके लिए किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी तो लूथर ने वो आवाज़ उठाई निर्भय होकर अब इसको आप विद्रोही भी कह सकते हो लेकिन वो विद्रोही होना यहाँ काम आया निर्भय होकर क्लैरिटी बहुत साफ तरीके से स्पष्ट तरीके से इलोक्वेंस बड़े ही वाकपटुता के साथ एंड प्रिजर्वेंस ऑफ हीरोइक प्रपोर्शन और धैर्य के साथ जो हीरोइक नायक वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो उन्होंने दिखाई अब चर्च जो हमेशा से ही रहा था लेकिन उसमें करप्शन आ गया चर्च में करप्शन के अगेंस्ट उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी सुधार की ज़रूरत थी सुधार कौन करेगा पहले वाले लोग नहीं करेंगे यंग जनरेशन करेगी तो उस कंडीशन के अंदर लूथर ने आवाज़ उठाई अब बड़े कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यंग जनरेशन है वो रिबिलियन हो गई विद्रोही हो गई लेकिन वो क्या था नीड ऑफ द टाइम था वो समय की मांग थी कि उस वक्त लूथर आवाज़ उठाए और चर्च के अंदर जो रिफॉर्म हैं वो हो सुधार हो इन अ लेस क्रिटिकल एज लूथर माइट हैिमेंड एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लैरिक अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं आती अगर चर्च में करप्शन नहीं होता तो लूथर सिर्फ एक आम सा पादरी बन के रह जाता जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं उस तरह से चर्च में क्लर्जी होते हैं पादरी होते हैं कि अगर चर्च में करप्शन आया तो मार्टिन लूथर ने आवाज लूथर ने आवाज़ उठाई और वो एक पॉपुलर वॉइस के रूप में फेमस हुआ लेकिन अगर करप्शन ही नहीं आता उस समय में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती तो शायद उसको हो सकता है इतने लोग ना जानते और वो एक आम सा पादरी बनकर ही रह जाता है मैनी ऑफ द एडवासिस ऑफ सिविलाइजेशन टेक्निकल इन्वेंशंस साइंटिफिक डिस्कवरीज़ कंसीव्ड बाय यंग पीपल जस्ट ऑन द थ्रश होल्ड ऑफ अडल्टड सभ्यता के विकास के लिए बहुत सारी बातें जैसे टेक्निकल इन्वेंशन तकनीकी खोजें साइंटिफिक डिस्कवरीज़ वैज्ञानिक खोज हैव बीन कंसीव्ड बाय यंग पीपल वो यंग लोगों के द्वारा ही सोची गई हैं जस्ट ऑन द द्रश होल्ड ऑफ अडल्टड जो अपने अडल्टूड की तरफ पढ़ रहे थे जो अडल्ट हो रहे थे जो बड़े हो रहे थे ये मीन्स जो यंग जनरेशन है उसी ने टेक्निकल इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की हैं बिकॉज दे वर विद द अचीवमेंट ऑफ द पास्ट एंड बिकॉज दे हैड नो नीड टू डिफेंड द प्रेजेंट दे वर एबल टू इन विजन एंड ब्रिंग ऑन द फ्यूचर क्यों कर सके वो ऐसा आविष्कार क्योंकि वो पास्ट में जो उपलब्धियाँ थी उनसे संतुष्ट नहीं थे और प्रेजेंट को वो डिफेंड नहीं करना चाहते थे कि हाँ प्रेजेंट सही है इसलिए हम इसी तरीके से जिएंगे पास्ट की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे प्रेजेंट को डिफेंड नहीं करना चाहते थे इसलिए वो भविष्य की कल्पना कर सके और उस भविष्य को ला सके इतनी सारी खोज कर सके तो हम ये नहीं कहेंगे कि यंग जनरेशन है रेबिलियस है विद्रोही है विद्रोही होना नेगेटिव नहीं है अगर वो कोई नई विद्रोह कोई नया रूल लेकर आते हैं कई कोई नई इन्वेंशन लेकर आते हैं वो इन्वेंशन साइंटिफिक इन्वेंशन हो सकती है कोई मानव सभ्यता के लिए अच्छा कोई पॉजिटिव काम हो सकता है तो इस ऐसे में तीन मेजर एलिमेंट्स बताए हैं राइटर ने जिसमें से फर्स्ट है कि एक लड़का तीन साल लड़का उसका जो करेक्टर है वो बचपन में ही डिसाइड हो जाएगा दूसरा बड़ा होने के बाद आइडेंटिटी बनाने के लिए उसने कितना स्ट्रोंग रेबल किया है कितना स्ट्रॉन्ग विद्रोह किया है इस बात पे डिपेंड करेगा और तीसरा कि नीड ऑफ द टाइम क्या है समय की ज़रूरत क्या है समय की ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर कोई यंग पर्सन बिहेव कर रहा है तो ये सारी चीज़ें डिटरमिन करेंगी किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को और हर विद्रोह नेगेटिव नहीं होता So, this essay discusses the problem of self identity and independence faced by adolescent boys and girls. A young person goes through various stages of identification. He rejects the earlier role models and forms a new identity in accordance with the needs of the times. This desire to establish a new identity may be misunderstood by elders as rebellion. But old rebellion is not negative. It can transform a boy into a responsible adult. Thank you.